चापेकर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो किताब में लिखी हुई नहीं थी। इन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बनाया और उसे फिल्म बनाने में मुझे बहुत आसानी हुई। और अभी मैं सबका आपको परिचय करा देता हूँ। ये घनश्याम पटेल जी हैं, हमारे फिल्म के निर्माता, और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं देवेंद्र पांडे, अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो आ नहीं पाए। और ये अभिजीत भगत है जिन्होंने सबसे बड़े भाई दामोदर का रोल किया है। ये मनोज भट्ट है जिन्होंने छोटे भाई वासुदेव का रोल किया है। और ये संजीव धुरी है जिन्होंने बालकृष्ण का रोल किया है। ये मेघा जोशी हैं जो दुर्गा देवी का रोल में है, जो दामोदर जी की वाइफ थी। और ये गंगूबाई जो बालकृष्ण की वाइफ थी। और ये लक्ष्मी बाई हैं जो हरिपन की पत्नी यानी तीनों भाइयों की माँ की भूमिका है। और बाकी पूरी कास्ट और टीम यहाँ पे, अगर आप बुनियादी तौर पर अंतर देखें तो कहानी आपको शायद सेम लगेगी, क्योंकि चूंकि इतिहास से रिलेवेंट है तो उन्हें कहानी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन चूंकि ये फिल्म जो है 2016 में रिलीज होने वाली है, तो आज के जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत
थोड़ी सी फास्ट देखने की आदत है। तो हमने थोड़ा आज का जो जमाना है उस हिसाब से थोड़ा सा कहानी में बहुत ही सीमित मात्रा में लिबर्टी लिया है। तो कहानी आपको भले ही वो 1894 की है, लेकिन वो आज का जो अभी दौर चल रहा है, जैसे आप हिंदुस्तान में देखें फिर से वो गौ हत्या की बात शुरू हो गई है, धर्म परिवर्तन की बात शुरू हो गई है, तो जब आप फिल्म को देखेंगे तो लगेगा कि शायद आज की ही बातें चल रही है। वो फिल्म आपको आज के दौर की लगेगी, न कि वो पुराने दौर की। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने कहा कि जो किताबों में नहीं लिखी, कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? एक बड़ा आचार्य जी ने बताया मुझे कि तीनों भाइयों ने जेल में अपनी जीवनी लिखी थी फांसी से ठीक पहले। तो वो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में, पूना के लाइब्रेरीज में, बम्बई की लाइब्रेरी में, तो पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन जब लास्ट ईयर फिल्म का लास्ट शेड्यूल से पहले जब मैं यहाँ आया तो तीनों भाइयों की कविता रखी हुई थी, और जब वो पहली बार तिलक से मिले थे तो ये दो तीन चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि फिल्म में बिना डाले उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी फांसी पे लगने चढ़ने वाला होता है तब हम लोग समझते कि उसकी यात्रा समाप्त मानी जाती है, लेकिन ऐसा असर देखा गया कि जब भी क्रांतिकारी का बलिदान होता है तो वो ज्यादा लोगों तक असर छोड़ती है। शायद इसी सोच के तीनों भाइयों ने अपनी जीवनी लिखी थी कि उन्होंने रैन की हत्या क्यों की। वो सिर्फ एक हत्या मात्र नहीं, वो सीधे सीधे 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती थी, और जो भी उस वक्त हिंदुस्तानियों पे अत्याचार हो रहा था, अकेले पूना में ही दर्द 17 महिलाओं के साथ उस वक्त बलात्कार हुआ था जबकि वो लोग प्लेग के ऊपर उन्मूलन करने के लिए जा रहे थे। तो ऐसी कई सारी अभी दो तारीख को अभी करीबन 200 शुरुआती दौर में स्क्रीन हम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर टारगेट ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ मराठी बोल इलाके हैं। शकिन लगन मुझे लगता है कि एक हफ्ता पहले मैंने तीनों लड़कों को बुलाया। अब मैंने बुलाया कि देखो ये कैरेक्टर ऐसे नहीं कि जो रोज रोज प्ले किए जाते हैं। पहले आप समझो कि क्यों 26 या 28 साल में एक लड़का फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होता है जबकि उसका बीवी है, बच्चा है। दूसरा तीसरा जो लड़का है जो वासुदेव है उसकी उम्र जस्ट 17 साल है। आप सोचो कि 17 साल में अभी की उम्र में हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे व्हाट्सएप फेसबुक सारा दिन उस पर लगे रहते। उस समय में ये भावना लाना कि हम रैन जैसे बड़े अधिकारी को मारेंगे, और उस समय हिंदुस्तानियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ था जिसको बाल गंगाधर तिलक ने उठाया। तो सबसे पहले मैंने तीनों को ये डालने की कोशिश की आप पहले समझो कि ये पात्र क्या है, और जब तक तुम पात्र कैरेक्टर को नहीं समझोगे तब तक शायद तुम्हें दामोदर बनना या वासुदेव बनना या बालकृष्ण करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे अच्छा था कि 2-3 दिन तक मैंने पूरी कहानियां इनको सुनाई और पूरा इंस्पायर करने की कोशिश की कि पहले आप उस जमाने में जाओ, सोचो कि आज तुम्हारे माता बहनों या मोहल्लों में किसी के साथ हो रहा तो क्या आप चुप बैठोगे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि आज के जमाने में लोग मोबाइल, आपके आपके बच्चे हो गए या मेरा खुद का बच्चा भी मोबाइल टेलीफोन ये देन सब जो भी टीवी उसके आगे निकलते ही नहीं है, उधर ही बैठते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल होगा कि भाई कुछ देश के लिए कुछ करो। हमारा जो उद्देश्य था वही कि कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ ना कुछ छोटी चीज भी आप कीजिए देश के लिए, जो ये तीन भाइयों ने बलिदान दिया है। तो आप ये पर्दे पे ये मूवी देख के लोगों को ऐसा लगेगा कि चलो कुछ ना कुछ तो हम करें देश की सेवा के लिए, इसके लिए हमने ये सब्जेक्ट चुना। और दूसरा मैं एक चीज कहता हूँ, किसी चीज के लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दादा दादी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और मेरा जो बचपन है वो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बीता है, तो बचपन से वो शाखा और देशभक्ति की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं जाके छिपी हुई है। तो अब वो सब कलम में से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अच्छा, इस पिक्चर का कोई ऐसा डायलॉग भी रस का या ऐसा जो आप हाई पॉइंट हो वो आप सुनाना चाहेंगे अभी? हाँ, पूना में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, वो है मिस्टर रैंड। हम रैंड की हत्या करेंगे। रैंड की हत्या से सबको पता चल जाएगा कि पूना में जो कुछ भी हो रहा है हम चुप नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। आपने मैंने कोई ऐसी कोई विशेष तैयारी नहीं की है,
लेकिन जब फिल्म रिलीज होगी जो भी उसकी सरकारी फॉर्मेलिटीज होगी हम करेंगे, और उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पत्रकार बंधु है, कोई राजनेता है, सबकी अलग अलग सामाजिक दायित्व बनता है, और जिसके पास चीजें जाएंगी उनका एक सामाजिक दायित्व बनता है कि ऐसे पिक्चर को टैक्स फ्री करें। हम उसके लिए उनको फोर्स नहीं करें, उनका खुद का एक सामाजिक दायित्व है, हम जो भी सरकारी प्रक्रिया होगी उसका पूरा करें, लेकिन आगे उसका दायित्व उनका खुद का बनता है कि वो इस फिल्मों को टैक्स फ्री करें ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आ सके। और 2 तारीख को हम एक स्पेशल शो रख रहे हैं आचार्य जी के चापेकर स्कूल में, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ताकि वो बच्चे ये समझ सके कि वो चापेकर कौन थे जिनके स्कूल में रह के वो शिक्षा ले रहे हैं, या बहुत सारे शिक्षक वहाँ पढ़ा भी रहे हैं, और जो आगे वाले जनरेशन है जो चिंचवल में रहते हैं उनको ये भी पता चले कि हमारे यहाँ जो स्टेचू, जैसे गुरु जी ने, जब मैं पहली बार आया तो यहाँ सिर्फ एक पुतला लगा हुआ, तब इन्होंने बताया कि ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि तीनों भाइयों का पुतला लगा। थोड़ा थोड़ा सा मांगे ना, थोड़ा खराब हो गया।